भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, आराम से आराम से आराम से आ रहा है गाइस हाथ में तो प्यार से, लेकिन जब बाहर निकालेंगे उसको तब दिक्कत होगी बहुत ज्यादा है। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है गाइस, ये कितना बड़ा है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा इतना बड़ा गाइस फिश मैंने लेके आया हूँ भाई, और इसको जो हम लोग पानी में छोड़ने वाले। So, hey guys, तो कैसे हो सब लोग, आज का व्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि गाइस आज मैं जो गाइस यहाँ पे लेके आने वाला हूँ फ्लावर हॉर्न, जो सबसे बड़ा फ्लावर हॉर्न है वो गाइस सबसे आज तक का मेरा कॉस्टली फिश होने वाला है और सबसे एग्रेसिव फिश होने वाला है। फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे लाइट लगाने दे रहा हूँ, किस लिए रखा है भाई, क्या लगे वाली है, ये रहा लाइट। तो गाइस यहाँ पे लाइट जो है गाइस लग चुकी है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। अपनी यहाँ पे लाइट मैन जो है हमारे पास में आ चुका है, इसको लाइट दिखाना, ये दिखाना। तो गाइस यहाँ पे अपन लोगों ने लास्ट टाइम सिंगरे लिया था, वो देख सकते हो आप लोग, पूरा एकदम परफेक्ट है, पूरा हट्टा कट्टा बन चुका है, इसको अगर हम लोग खाना डालते तो तुरंत खाना खा लेता है, आपको दिखा देता हूँ ठीक है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, खाना खा लेगा ठीक है। अरे अरे इधर है मछली, आए मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। खा लिया गाइस, और ये पानी के बाहर रहती है मछली, वेल मछली। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी उसके ऊपर ही खाना गिर रहा है बे, देखते खाता है या नहीं, उसको खाना नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर ही खाना गिर गया, लोल खा रहा है झपट्टा मार रहा है बे पूरा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से खा रहा है टाइम लगता है। बाजू में क्या है वो टट्टी, हाँ उसका टट्टी है, तेरे को चाहिए क्या? हाँ बाजू में उसका टट्टी है, ऐसे लाल लाल खाना खा के लाल लाल टट्टी भी होती है उसको। तो गाइस आप लोगों को क्या क्या दिखाना पड़ता है, बात तो सही है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, अभी भी मुंह में कुछ लेके बैठा है, देखो गाइस ये ले तू छोड़, तेरे को ये केला ले ले बाद में। तो गाइस अभी अपन लोग यहाँ पे फ्लावर रन लेके आने वाले, देख इस वाले टैंक के अंदर जो गाइस हम लोग फ्लावर रन रखने वाले, आप लोग बोलोगे इस वाले टैंक के फिशेस कहाँ गए, तो गाइस मैंने जो है उसको वापस कर दिया है, जो भैया है उसके पास जिसके पास हम लोग जाने वाले, तो वो छोटे छोटे फिश जो है चार पांच मेरे पास बचे हुए थे, दो तो मर गए थे, तो मैंने बोला कि ये वापस मर सकते हैं, तो मैंने उनको भैया के पास में दिए, वो भैया ने पूरे अब ठीक कर दिए उनको, थोड़े से बीमार हो गए थे वो, मैं जब बाहर गया था दिल्ली था तब। तो अभी मैं जो गाइस यहाँ पे इसके अंदर फ्लावर रन लेके आने वाला हूँ, सब कुछ टैंक सेटअप कर दिया है मैंने, तो इसके अंदर जब इतना बड़ा फिश रहेगा तब क्या होने वाला है रोहन। तो इस ब्लॉग का लाइक एम जो है 25,000 लाइक्स होने वाला है ठीक है, क्योंकि गाइस आप लोगों के कहने पे मैं फ्लावर रन ले रहा हूँ। मुजरिम बंदे तो गाइस ऐसे नहीं खाते, मुखोल मैं खाता बराबर, मुखोल मैं खाता बराबर, अबे टूट गया नहीं, वो अक्का खाना है पूरा, कुछ पूरा अक्का खाना है, चैलेंज है तेरे को, चैलेंज है कि पूरा अक्का खाना है, च्युइंगम मैं मुंह में, तो च्युइंगम हटाना, च्युइंगम भी खा ले, ए हाथ में डाल, पकड़ हट साले। अबे बाल पे चिपक जाएगा, रुक जा, नहीं मजाक नहीं बाल पे चिपक जाएगा, टकला टकला बाल पे चिपक गया, नया शर्ट है साले, बाल पे चिपक गया ना, टकला पूरा खाना एक साथ। प्रैक्टिस चाहिए भाई तेरे को ये सब चीजों की, तुम्हें आगे शायद आगे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तेरे को। अच्छा हमको सिखा रिया है शायद, इतने लंबे लंबे लेने पड़ते केले, देने पड़ते, समझ रहे देने पड़ते, देने नहीं समझ रहे हो ना। तो गाइस चलते प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस कर ब्रो, ओके निकल अभी खत्म हो गया भाई, नया शर्ट काम से गया है भाई यहाँ पे, मुझे नया शर्ट चाहिए, पैंट भी जाएगी नूबड़े, पैंट को लगा रहा है ये देखना, क्या इंसान है भाई, पैंट से महंगा शर्ट है, वाह मोदी जी वाह। So guys, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये इतना बड़ा फिश जो है गाइस हम लोग लेके जाने वाले भाई, अलग ही लेवल है, देखो गाइस ये जो उंगली के साथ चलता है, देखो उंगली को फॉलो करता है, बहुत बड़ा फिश है गाइस ये फ्लावर हॉर्न है, और ये काटने का भाई, ये काटने का ये करता है, देखो ये काटने के लिए, देख ये देख काटने के लिए आता है भाई, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिश है और बहुत बड़ा है गाइस, देखो मेरे हाथ से भी बड़ा है, आपको जब गाइस ये बाहर निकालेंगे ना तब समझेगा। और गाइस अभी हम लोग सोच रहे हैं कि गाइस इसको लेके किस में जाए इतने बड़े फिश को अपने घर तक, ठीक है तो ये तुम्हारा समस्या है, जाएंगे इसको, उसका सर देखो भाई, फिर देखो भाई रोहन इसके दिमाग में तेरे से ज्यादा ये भरा हुआ है भूसा। और वो संकेत देखो, संकेत अपना दूसरा है, फ्लावर हॉर्न वर्सेस फ्लावर हॉर्न, देख सकते हो आप लोग दो दो फ्लावर हॉर्न हमें, और ये ऑस्कर फिश, इसको ये खाने आता है क्या, उंगली वंगली पकड़ लेगा वो, ठंडा लो तुम लोग, रिस्क नहीं है भाई, अगर काट लेगा ना तो भाई उंगली में से खून आ जाएगा, खून वेरी डेंजरस, उंगली गायब हो जाएगी, खून आ जाएगा, डाल के देख समझेगा क्या होता,
सूझेगा बस। हाँ सूझेगा, चल तेरा डाल जाएगा। नहीं चाहिए वीडियो, नहीं चाहिए ऐसा वीडियो नहीं बनाना। सो गाइस जिसने लास्ट टाइम जो है जिंदा कोल्ड फिश को खा लिया था, और जिस चीज़ के लिए आए हैं गाइस हम लोग वो चीज़ लेके जाएंगे। अगर आप लोगों को ऐसे चीज़ों में मज़ा आ रहा है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और ये तो गाइस यहाँ पे पूरा फिश का फूड है, और फ्लावर रंग का फूड जो है गाइस अलग आता है, ठीक है, उसको अलग पूरा का फूड लेना पड़ेगा अलग से, ठीक है। और टर्टल का फूड अलग आता है, जो इसका फूड भी अलग आता है, जैसे अभी अभी देखा इसका फूड केला है, ठीक है, तो केले जो है गाइस खाते रहता है। पैरेट्स भी है, पैरेट्स नहीं है, लव बर्ड्स है गाइस, लव बर्ड्स है, ये काटने आते हैं ये भी। ले भैया अपन ले इसको लेके कैसे जाएंगे? मैं आपको कैरी बैग में दूंगा, कैरी बैग जंबो कैरी बैग। फाड़ देगी भाई वो, डबल कोटिंग कर दूंगा मैं। फट गई तो खत्म, देखेंगे उसको साइलेंटली पकड़ना पड़ेगा। फट गई तो भाई हम गाड़ी में कैसे लेके जाए उसको? रुंध पकड़ लेगा ना हाथ में उसको ऐसा। पानी के बाहर कितने देर रह सकता है वो? पानी के बाहर देखो अभी हर फिश का स्टेमिना अलग अलग होता है, ये 5 मिनट्स तक जिंदा रहेगा पानी के बाहर। अच्छा 5 मिनट तड़पेगा बाद में मरेगा। ओके एक हमने फिश देखा था गाइस जो जंगली फिश होते हैं वो तो दो दो तीन तीन घंटा बाहर रहते हैं। कैटफिश, हां कैटफिश, इंडियन स्नेकहेड। अच्छा वो भाई साहब ये क्या चल रहा है इधर? बेस राइड। क्या क्या? बेस राइड, बेस राइड। वाह 100 रुपए निकाल, 100 रुपए निकाल, एक घंटा। इतना कम रेट है तेरा? अरे ये यूट्यूबर का भाई है ना इसलिए 100 रुपए। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। भैया जो इसको निकालने वाले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है, और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है अपने को, कितना बड़ा फिश है ये। और रोहन भाई क्या तुम रेडी हो? अरे हाँ भाई एकदम। भैया जो है पहले पानी भर रहे हैं इसके अंदर, और जो बहुत बड़ा है लिटरली, अब मुझे टेंशन आ रहा है कि भाई इसको मैं टैंक के अंदर, मेरे टैंक के अंदर तो रह जाएगा ना भैया? ये रहेगा वो, लेकिन प्रॉपर केयर करना उसकी। ओके तो ये देखो इसका मुंह देखो भाई, अगर हमको काटा भाई तो भाई भैया देखो काटा ना हमको तो भाई भैया बोल रहे भरोसा नहीं, काट भी सकते काट। इंजेक्शन लेने पड़ते क्या काटने के बाद? इंजेक्शन नहीं है लेकिन बैंडेज तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधा वो छिल लेता है। दांत मेरे को तो लग नहीं रहे, दांत है वो ब्लैक ब्लैक। हाँ 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 गाइस वो चिपक जाएंगे सीधे, और इसका बाइट फोर्स इतना है ये देख सकते हो आप लोग, अपने हाथ के पीछे आ रहा है पूरा, एकदम पूरा एकदम एक्टिव फिश है गाइस ये देखो, और इतना बड़ा है कि मेरे हाथ से भी बड़ा है। देखो गाइस ये देखो मेरे हाथ से बड़ा है देखो, अबे कांच को धक्का मारा उसने, पूरा धक्का मारा जोर से भाई अपने सर से कांच को। चलो भैया देखते हैं भैया अब निकालने वाले कैसे निकालते, देखते हैं भैया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई आराम से आराम से आराम से आ रहा है गाइस हाथ में तो प्यार से, लेकिन जब बाहर निकालेंगे उसको तब दिक्कत होगी। गाइस इसको जो है पानी के अंदर डाल दिया गाइस अभी हम लोगों ने कैरी बैग के अंदर। भाई साहब अलग ही लेवल गाइस यहाँ पे आप लोग देखो भैया, ये मुझे डाउट आ रहा है कि ये कैरी बैग ना फाड़ दे भाई। नहीं फाड़ेगा, नहीं कैरी नहीं फाड़ेगा, नहीं नहीं पक्का पक्का नहीं फाड़ेगा, ट्रिपल कैरी बैग डाल दिया भैया ने, क्योंकि फाड़े ना तो भाई किस तरीके से हाथ में लिया आराम से, क्योंकि देखो भाई जब पानी में रहता है तभी भाई थोड़ा सा वो रहता है, उसको अगर आराम से उठाया तो कुछ नहीं करेगा। ओके इम्पॉसिबल होता है, कितना बड़ा फिश है गाइस, कैरी बैग उठाने के लिए भी दिक्कत हो रही है भाई। रोहन भाई कैसे लेके जाएंगे भाई? वही तो कैसे लेके जाएंगे भाई, मेरे को तो भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिलहाल के लिए गाइस ये बाकी के फिशेस भी लेके जाऊंगा मैं भैया से, लेकिन इसको ये बोल रहा है मेरे को लाया ही उसके लिए। हाँ मैम के लिए उठाने के लिए, उठाने के लिए लाया, क्योंकि हमसे उठेगा नहीं ना, हमसे उठेगा नहीं भाई, तो उसको लाया है वो हाथ में उठाने के लिए। फिलहाल के लिए ऑस्कर भाई ये भी बहुत खतरनाक है, इसको भी लेके जाएंगे अपन लोग कुछ दिन के बाद में, लेकिन भैया जो है अभी ऑक्सीजन भर रहे ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन उसको चाहिए होता है, और हर एक कैरी बैग में ऑक्सीजन भर दे भैया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो भाई फटाक से लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, आप लोग नहीं करते हो लाइक सब्सक्राइब। चलो फाड़ दे उसने भाई, देखो भाई यहाँ से फाड़ दी, देखो भाई पानी पानी बह रहा है, मेरे को डाउट था भाई, मेरे को यही डाउट था। खत्म। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है गाइज, अब हम लोगों को जल्द से जल्द घर जाना होगा। यहाँ पे देखो भाई पूरा बड़ा पूरा, मतलब इसमें इतना बड़ा कैरी बैग है पूरा, उसमें उसको जगह ही नहीं हो रही आराम से। और संकेत भाई इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि संकेत भाई को खास पकड़ने के लिए बुलाया है हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि उसको पकड़ने में बड़ा मजा आता है दूसरों का। क्या बोला तूने? पहले हम लोग घर पे आ चुके हैं, और देखो गाइज ये अभी कैडबरी खा रहा है गाइज, इसको ना एक मेम के बदले एक कुछ खाने को देना पड़ता है, तो आप लोग पूछते हो कि इसको कुछ सैलरी वैली देते हो यानी, बस इसको खाने को देना पड़ता है, खाने को देने के बाद में ये कुछ भी मतलब कुछ भी
दे सकता है अपने को। तो गाइस हाईएस्ट पेड, हाँ हाईएस्ट पेड एक्टर एक्टर है गाइस यहाँ पे हमारा। और अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे हीटर वगैरह ला चुके हैं इसके लिए, क्योंकि इसको हीटर बहुत जरूरी है ठंड का मौसम है, तो ठंड में जो है 28 डिग्री सेल्सियस पानी का जो है रखना पड़ता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हीटर लेके आया हूँ मैं साथ में, और फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पानी है बहुत ज्यादा है। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है गाइस, ये मजा आया। देखो गाइस देखो यहाँ पे भूषण दबा रहा है, कैसा लग रहा है भूषण भाई, कैसा लग रहा है? पानी थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा फिश है, तो पानी ओवरफ्लो ना हो इसलिए हम लोगों ने पानी पहले भर के रखा था, सेट करना पड़ता है पानी। तो सो गाइस वहाँ पे टैंक सेटअप हो रहा है, और गाइस यहाँ पे देखो इसके अंदर से दिखा रहा हूँ, इसके अंदर से दिखा कितना बड़ा है ये देखो भाई, कितना बड़ा है गाइस ये। इसके सर के ऊपर हाथ लगा के आओगे, मुझे वो हाथ लगाने का मन हो रहा है गाइस, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी भाई, भाई पीछे से पकड़ो वरना कैरी बैग में से झटका मार के निकल ना जाए, अगर बाहर गिरा तो हमारी तो फट जाएगी उसको हाथ में लेके वापस ऊपर डालने के लिए। देखते भाई उसको नहीं पकड़ना है वो देख, अरे मेरे को क्यों पकड़ रहा है, जैसे पकड़ा ना, अरे इसको पकड़ने की बड़ी आदत है, मैं बोला ना गाइस आप लोगों को। हां सो गाइस अब इसको डालने में इतनी दिक्कत आ रही है, बाहर ना गिर जाए भाई, पानी ध्यान रख, उसी के अंदर जाने चाहिए ठीक है, भारी निकल जाएंगे। भाई भाई क्या करा है गाइस वो अंदर, पानी देखो कितना बढ़ गया भाई साहब, पानी देखो गाइस कितना बढ़ गया वो आने से, बढ़ गया। अरे भाई संकेत की बहुत फटी भाई, उसको लगा बाहर निकल गया, उसको उछलता कौन था भाई, भाई साहब पूरा चश्मा ले सब पे गया, पानी गिर गया भाई, पानी गिर गया पूरा, दिल से बुरा लगता है भाई। भाई कितना बड़ा है यार वो, देखो भाई उसको, अब निकलते हैं उसको, जगह हो रही है या नहीं, हो रही है जगह तो हो रही है आराम से एकदम, बहुत बड़ा है गाइस ये फिश भाई साहब, क्या ही खतरनाक फिश है गाइस ये। इसको गाइस मेरे को लग रहा है ये जो स्टिंगरे है ना, मुझे लग रहा है वो स्टिंगरे अपन इसके अंदर डालेंगे और इसको उसके अंदर डालेंगे, लेकिन इसको उसके अंदर डालने के लिए अब भैया को बुलाना पड़ेगा क्योंकि भाई हम तो नहीं डाल सकते भाई, बस हवा निकल गई, तो भैया जब आएंगे जब ये फिश टैंक क्लीन करेंगे तब इसे कैसे निकालेंगे बाहर, नहीं फिश टैंक क्लीन करते समय इसको निकालने की जरूरत नहीं, हम लोग क्लीनिंग करने का अलग प्रोसेस है, मैंने दिखाया था आप लोगों को फिशेस निकालने की जरूरत नहीं होती है उसमें, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर अभी इसको मेरे को उस वाले टैंक में लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे, दिक्कत हो गई गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे देखो भाई कितना बड़ा फिश है, क्योंकि ये मुझे लगा नहीं था कि इस टैंक में, मुझे लगा फिट आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है उसको कंजेस्टेड होगा, तो वो जो अपना स्टिंगरे का जो टैंक है उसके अंदर गाइस मैं उसको रखूंगा। ओके सो गाइस पापा का रिएक्शन देख सकते हो भाई, क्या बहुत बड़ा है ना, ऊपर गया उसको, सर है उसका सर, नहीं मिला ये बहुत महंगा है, अभी प्राइस बता नहीं सकता, वीडियो चल रहा है ना, फिश लाते नहीं तू, कितना कुछ फिश लाता है भाई, बहुत बड़ा है, इतनी डेंजर है रे, बहुत डेंजर है, हाथ डालोगे तो काट लेता है देखो ऐसे, अब यहाँ पे थोड़ा सा डरा हुआ है वरना अपने उंगली को भी फॉलो करता है वो, डेंजरस फिश है, बहुत एग्रेसिव फिश है, सामने से कैसा दिख रहा है देखो, वो देखो देखो उसका सर देखो लेकिन अगर वीडियो पसंद आया होगा या फिश पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत खतरनाक फिश है, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और यहाँ पे केला लेके जो है फॉलो कर दो, बोलो ना इंस्टाग्राम पे संकेत डोला रे, संकेत अंडरस्कोर डोला रे, हाँ तो गाइस यहाँ पे ये कट हो जाएगा। लड़कियाँ खास करके मुझे फॉलो करें, इनको नहीं, नहीं मुझे, इनको जो है मुझे दोनों चलते हैं भाई, मेरे फैन बहुत है, अच्छा मतलब लड़के लड़के इक्वालिटी है भाई, लड़के भी चलते हैं गाइस, तो ये वीडियो डिलीट कर दूंगा मैं, इसलिए केले लेने की ये वीडियो डिलीट कर दूंगा भाई मैं। सो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और हमारे संकेत भाई जैसा।